दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में एक बार फिर बवाल हो गया। ABVP के सदस्यों ने वामपंथी कार्यकर्ताओं पर JNU में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगाया है। वामपंथी कार्यकर्ताओं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए ABVP कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। JNU के सचिव उमेश चंद्र ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन JNU के कम्युनिस्ट इसे पचा नहीं पाए। उनका आरोप है कि 100 फ्लावर्स ग्रुप और SFI के लोग आए और शिवाजी महाराज की तस्वीर तोड़ दी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस घटना में शामिल कर्मचारी यूनिवर्सिटी के नहीं थे और बिना अनुमति के ही कॉलेज परिसर में एंट्री की थी। जब उन्हें रोकने के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वह इन सब में विश्वास नहीं रखते हैं। वह केवल मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। ना ही उन्होंने अपना ID कार्ड दिखाया और ना ही वह परिसर से बाहर जाने को तैयार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर तोड़ने की खबर के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट विंग यानी वामपंथी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नौबत यहां तक आ गई कि दिल्ली पुलिस को भारी बल के साथ कैंपस में पहुंचना पड़ा। इस भिड़ंत के बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, नमः पार्वती पते नमः। ABVP सचिव ने JNU प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उपद्रवियों को यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने से रोकने की अपील की है। साथ ही अवैध छात्रों को परिसर में एंट्री करने और उपद्रव करने से रोकने का आग्रह किया। उनका कहना है कि इन लोगों को JNU का नाम खराब करने से रोका जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।